हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है प्रभा एनपी में। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का पार्ट 1। इससे संबंधित हम जो है आपके लिए आज जो है 100 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। आज हम आप सभी को इसमें से 100 प्रश्न आपके समक्ष कराएंगे। इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डिफॉल्ट जूम साइज इज, इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस डिफॉल्ट जूम साइज इज, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डिफॉल्ट जूम साइज कितना होता है? तो डिफॉल्ट जूम साइज कितना होता है वो आपको देखना है। आपको देखिएगा 72%, कितना होगा आपका है 72% आपका डिफॉल्ट फॉन्ट जूम साइज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मिनिमम जूम साइज, मिनिमम जूम साइज आपका कितना होता है? 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है। ये आपका है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है, इसका मिनिमम जूम अगर हम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5% शो हो रहा है। कितना हो रहा है? 5% यहाँ पे शो हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मैक्सिमम जूम साइज इज, मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको हम ले जाते हैं इसको मैक्सिमम जूम साइज की ओर जो क्लिक करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है टोटल है मैक्सिमम जूम साइज। ये देखिएगा 2999, यानी कि आपका कितना होता है 3000, कितना होता है आपका 3000% आपका जो मिनिमम मैक्सिमम जूम साइज होता है। ठीक है, मिनिमम कितना होता है 5% होता है, डिफॉल्ट जूम साइज कितना है 72% डिफॉल्ट जूम साइज है, मिनिमम 5% जूम साइज, मैक्सिमम 3000 जूम साइज आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन लिब्रे ऑफिस क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग शॉर्टकट की। आपको पता है क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन से हो जो है हम न्यू जो है कंट्रोल प्लस एन से जो है क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन करते हैं कंट्रोल प्लस एन से। अगला प्रश्न है, टू मैनेज टेम्पलेट्स इन यू इंप्रेस यूजिंग शॉर्टकट की। जब टेम्पलेट्स की जब बात आती है तो देखिएगा मैनेज टेम्पलेट करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ये रहा टेम्पलेट्स मैनेज टेम्पलेट, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन। टू ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन इंप्रेस यूजिंग शॉर्टकट कीज, कंट्रोल प्लस ओ होता है। क्या होता है? ओपन करने का जो शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस ओ होता है। अगला प्रश्न है, टू सेव प्रेजेंटेशन इन इंप्रेस यूजिंग शॉर्टकट की, तो सेव करने क्या होता है CTRL प्लस एस शॉर्टकट कीज होती है, CTRL प्लस एस शॉर्टकट कीज होती है। Which shortcut key is used to create duplicate object in LibreOffice Impress? अब duplicate object create करने की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा होता है, देखते हैं Shift plus F3, Shift plus F3 यानी कि create duplicate, क्या होता है create duplicate object, ये रहा duplicate object, देखिएगा Shift plus F3 option, क्या होता है आपका option है Shift plus F3 option आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू एडिट पॉइंट्स इन इंप्रेस। एडिट पॉइंट्स की जब बात आएगी तो कितना हो जाएगा F8 हो जाएगा, ये रहा F8, देखिएगा एडिट पॉइंट, F8 का क्या मतलब होता है एडिट पॉइंट्स का होता है। फाइंड का क्या होता है CTRL प्लस F होता है, फाइंड एंड रिप्लेस CTRL प्लस S, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस A होता है आपका, और सेव का CTRL प्लस S, सेव एज का होता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S होता है, प्रिंट क्या होता है CTRL प्लस P, एग्जिट लिब्रे ऑफिस CTRL प्लस Q होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर एडिट मोड इन इंप्रेस। एडिट मोड इन इंप्रेस की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M होता है। एडिट मोड में क्या हो जाएगा CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M, एडिट मोड CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विच शॉर्टकट की is used for to hide and unhide ruler bar in impress, तो क्या होगा CTRL plus shift plus R, CTRL plus shift plus R से क्या करते हैं hide and unhide क्या किया जाता है ruler bar को जो है hide और unhide किया जाता है ruler bar CTRL plus shift plus R, देखिएगा इससे हम हाइड एंड हाइड करेंगे ये हमारा रूलर बार देखिए हाइड हो जाता है, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमारा जो है हाइड हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा जो है यहाँ पे ये हमारा शो हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विच शॉर्टकट की यूज फॉर टू हाइड एंड अनहाइड साइड बार इन इंप्रेस। अब हाइड एंड साइड, हाइड
यानी शो कराना है और अनशो भी कराना है, किसको, हाइड एंड अनहाइड को, किसको, साइड बार को। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, CTRL+F5 होगा। देखिएगा साइड बार क्या होता है, देखिए जैसे हम साइड बार पे हम क्लिक करेंगे, देखिएगा साइड बार पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास से विंडो इधर जो लेफ्ट साइड में आती विंडो है, ये आपकी क्या हो जाती है, विंडो आपकी चली गई, विंडो क्या हुई आपकी, ये चली गई, ये जो आपका इस साइड में आती है ये विंडो आपकी चली जाती है। अब हम फिर से देखिएगा साइड बार पे क्लिक करेंगे, ये फिर से प्रॉपर्टीज ये सारी लेफ्ट राइट साइड में जो विंडोज आती है आपकी आ जाती है, इससे बोलते हैं साइड बार। अगला प्रश्न देखिएगा, विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर नेविगेट इन इम्प्रेस। नेविगेट करने के लिए जो कीज होती है क्या होती है, CTRL+Shift+F5, CTRL+Shift+F5 नेविगेट कराएंगे किससे, देखिएगा CTRL+Shift+F5 नेविगेटर, CTRL+Shift+F5 नेविगेटर जो है चेंज हो जाती है इंप्रेस में। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन इंप्रेस। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कराने के लिए हम क्या कराते हैं, F2 बटन का यूज करेंगे, किसका, हम F2 बटन का यूज करेंगे। F2 से देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स आता है, हमने किया ये हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स हमारा इंसर्ट होता है F2 से। अगला प्रश्न है देखिएगा, विच शॉर्टकट की यूज फॉर टू डिमोट ऑप्शन इन इंप्रेस। अब डिमोट ऑप्शन का देखिए क्या होता है, डिमोट ऑप्शन का Alt+Shift+Right-Arrow की, क्या होता है, Alt+Shift+Right-Arrow की, ये हमारा क्या होता है, डिमोट ऑप्शन का होता है। विच शॉर्टकट की यूज फॉर टू प्रमोट ऑप्शन, अब जब प्रमोट ऑप्शन की जब बात करेगा तो क्या रहेगा, Alt+Shift+Left-Arrow की होता है, ठीक है। डिमोट और प्रमोट ध्यान में रखिएगा, डिमोट में क्या हो रहा था, Alt+Shift+Right-Arrow होता है डिमोट ऑप्शन में, और प्रमोट ऑप्शन में क्या था, Alt+Shift+Right+Left-Arrow की होता है। विच शॉर्टकट की यूज फॉर मूव डाउन टू स्लाइड इन इंप्रेस। जब भी मूव स्लाइड की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, Alt+Shift+Down-Arrow की, किसका यूज करेंगे, Alt+Shift+Down-Arrow की बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मूव किसके लिए हो जाएगा, हमारा मूव जो है स्लाइड्स के लिए, Alt+Down+Shift+Arrow, Left+Down-Arrow। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव अप द स्लाइड इन इंप्रेस। जब मूव अप की बात हो रही है, Alt+Shift+Up-Arrow की बात है, किसकी होगी, Alt+Shift+Up-Arrow की बात, Alt+Shift+Up-Arrow से हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को जो है मूव अप कराते हैं पेज अप, ठीक है, अप यानी कि जो है Alt+Up से देखेगा ये मूव हम करा रहे हैं ऊपर साइड में। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे विच शॉर्टकट की यूज फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इन इंप्रेस। जब क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की जब बात आएगी तो क्या रहेगा, CTRL+Shift+M होता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग देखिएगा क्या होता है, CTRL+M होता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग CTRL+Shift+M आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर पोजिशन एंड साइज टू ऑब्जेक्ट एंड शेप इन इंप्रेस। तो इसके लिए जो ऑप्शन यूज किया था क्या होता है, पोजिशन एंड साइज के लिए F4 आपका होता है, कौन सा होता है, पोजिशन साइज के लिए F4 आपका जो है यूज किया जाता है, बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट की। जब बात यहाँ पे हो रही, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट, इसके लिए क्या करेंगे, CTRL+Shift+ का सिंबल का यूज है, CTRL+Shift+ का यूज करेंगे। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट की जब बात होगी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, CTRL+ का यूज करें, किसका, CTRL+ का, जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को जो है फॉरवर्ड करना है टेक्स्ट, ठीक है, पहले से, तो उसके लिए CTRL+ का यूज होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर अरेंज सेंड बैकवर्ड ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट। जब भी जो है यहाँ ये अरेंज करना होगा सेंड बैकवर्ड ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट को, तब हम क्या करेंगे, CTRL+- का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज फॉर अरेंज सेंड टू बैक ऑब्जेक्ट आर टेक्स्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को बैक में अगर अरेंज करना है तो उसके लिए हम जो कमांड होती है वो क्या होती है, CTRL+Shift+- सिंबल का यूज हम करेंगे। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की यूज फॉर ग्रुप ऑब्जेक्ट इन इंप्रेस। जब भी हम ग्रुप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे इंप्रेस में, उसके लिए क्या आ जाएगा, CTRL+Shift+G का यूज करेंगे, इसका CTRL+Shift+G का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, अरेंज वाले में देखिएगा, ये रहा ब्रिंग टू फ्रंट CTRL+Shift+ का ब्रिंग फॉरवर्ड CTRL+, सेंड बैकवर्ड CTRL+, माइनस सेंड टू बैक CTRL+Shift
प्लस माइनस का यूज करेंगे। जब ग्रुप की बात आएगी, ग्रुप के लिए सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस जी, अनग्रुप के लिए सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस सी टी आर एल प्लस आर प्लस शिफ्ट प्लस जी, इंटर ग्रुप के लिए एफ थ्री होता है, एग्जिट ग्रुप के लिए एफ का सी टी आर एल प्लस एफ थ्री होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर अनग्रुप ऑप्शन। जब यहाँ पर अनग्रुप ऑप्शन की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी टी आर एल प्लस आर प्लस शिफ्ट प्लस जी, क्या हो जाएगा सी टी आर एल प्लस आर प्लस शिफ्ट प्लस जी हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर इंटर ग्रुप इन इम्प्रेस। अब ग्रुप इन ग्रुप में इंटर करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, एफ थ्री होती है, क्या होती है एफ थ्री होती है। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर एग्जिट ग्रुप इन इम्प्रेस। एग्जिट ग्रुप इन इम्प्रेस क्या हो जाएगा सी टी आर एल प्लस एफ थ्री, क्या हो जाएगा सी टी आर एल प्लस एफ थ्री आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर इंसर्ट न्यू स्लाइड इन इम्प्रेस। जब भी न्यू स्लाइड की बात होगी क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम हो जाएगा। देखिएगा कंट्रोल प्लस एम हमने किया, ये देखिए न्यू स्लाइड, ये देखिएगा 4-5 से 3 तक थी, 4-5-6-7, ये देखिए 7 है, अभी करेंगे 8 भी आ रही है, 8 स्लाइड भी आ गई, सी टी आर एल प्लस एम से जो है यूज हमने किया। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस। इसके लिए क्या करेंगे, आर प्लस शिफ्ट प्लस एफ फाइव का यूज करेंगे। किसका, अगर आपको लास्ट स्लाइड पे जंप करना है तो एडिटेड स्लाइड पे, तो आर प्लस शिफ्ट प्लस एफ फाइव का यूज करना होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू मूव स्लाइड टू स्टार्ट इन इम्प्रेस। ठीक है, क्या स्टार्ट इन इम्प्रेस करना है तो क्या करेंगे, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस होम की, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस होम की, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लेट, ये रहा आपका सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस होम की से जो है हम इसको स्टार्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, विच शॉर्टकट की यूज फॉर मूव स्लाइड अप इन इन इम्प्रेस। यानी किस स्लाइड के द्वारा हम अपनी स्लाइड को मूव अप कराएंगे, मूव अप कराएंगे तो ध्यान से देखिए, मूव अप किससे कराएंगे हम, अप एरो, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू मूव स्लाइड डाउन इन इम्प्रेस। जब भी मूव डाउन में जब कराएंगे तो क्या होगा, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, क्या हो जाएगा डाउन एरो की हो जाएगा, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर मूव स्लाइड टू एंड इन इम्प्रेस। अगर आपने स्लाइड को मूव कराना है कहाँ पे, जो सबसे आखिरी स्लाइड में वहां पे मूव पे ले जाना, तो क्या करेंगे, तो सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की आपका हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड इन इम्प्रेस। जब फर्स्ट स्लाइड की जब बात करेंगे वहां से स्लाइड शो के, तो एफ फाइव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, F5 का यूज हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करंट इन इम्प्रेस। करंट की जब भी बात आएगी तो क्या रहेगा, शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा। यानी करंट अगर स्लाइड, जैसे हम स्लाइड नंबर 2 पे वर्किंग कर रहे हैं, वहां से अगर शो कराना है स्लाइड शो, तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज हम करेंगे। अगला देखेगा, सी टी आर एल प्लस पेज अप इज यूज फॉर गो टू प्रीवियस स्लाइड इन इम्प्रेस। तो ये पूरी तरह से आपका क्या है, ट्रू है। यानी सी टी आर एल प्लस पेज अप का यूज करके हम पहली स्लाइड पर, हम यानी उससे पहले वाली स्लाइड पे जा सकते हैं। अगर हम 4 पे वर्किंग कर रहे हैं तो यानी हम 3 पे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सी टी आर एल प्लस डाउन इज यूज फॉर गो टू नेक्स्ट स्लाइड इन इम्प्रेस। ये भी ऑप्शन पूरी तरह से सही। अगर हम 3 पे वर्किंग कर रहे हैं, 4 पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सी टी आर एल प्लस पेज डाउन का यूज करेंगे और हम उससे जो है क्या हो जाएगा, हम अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आर प्लस पेज डाउन इज यूज फॉर गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट्स इन इम्प्रेस। तो ये भी पूरी तरह से सही है। हम आर प्लस पेज डाउन का यूज करके हम नई स्लाइड पे, यानी नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं विदाउट प्लेइंग एनी इफेक्ट्स। एस्केप इज यूज फॉर एंड प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। हम अपने प्रेजेंटेशन से बाहर आना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाहें, तो एस्केप की का यूज हम करेंगे। सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस के यूज फॉर कंबाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन इम्प्रेस पूरी तरह से है। कंबाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है तो इम्प्रेस में सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस के का यूज करना होगा। शिफ्ट प्लस इंटर की इज यूज फॉर लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज इन इम्प्रेस पूरी तरह से, ये भी सही है आपका। ठीक है, अगर आपको लाइन ब्रेक करना है विदाउट पैराग्राफ चेंज के, तो शिफ्ट प्लस इंटर बटन का यूज करना होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर गो एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक इन स्लाइड। ब्लॉक इन स्लाइड की जब बात यहाँ पे आ जाएगी तो आपका आ जाएगा सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस होम की। कौन सा आ जाएगा, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस होम की से जो है हम क्या सकते हैं, आपके गो एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ ब्लॉक इन स्लाइड। यानी कि हम जो है जा सकते हैं पहली स्लाइड पे और वहां से टेक्स्ट
जो भी बॉक्सेस में है वहां पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर गो एंड सेलेक्ट टेक्स्ट टू एंड अप टेक्स्ट ब्लॉक इन स्लाइड। अब यहाँ पे एंड अप जब टेक्स्ट की बात आएगी तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंड बटन का यूज करेंगे। किसका? CTRL शिफ्ट प्लस इंड बटन का। यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में दे रहा था स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक इन स्लाइड, इसलिए यहाँ पे होम बटन हो गया। यहाँ पे इंड की बात कर रहा, इंड में जाकर के सेलेक्ट करना तो CTRL शिफ्ट प्लस इंड हो जाएगा। विच शॉर्टकट की यूज फॉर गो टू स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक इन स्लाइड। गो टू स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक इन स्लाइड, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CTRL प्लस होम बटन का यूज हम करेंगे। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू गो टू एंड ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक इन स्लाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल प्लस एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड हो जाएगा। यानी सबसे लास्ट स्लाइड पे अगर जाना हो एंड वाली स्लाइड पे तो क्या होगा, CTRL प्लस एंड पे हो जाएगा। विच शॉर्टकट की यूज फॉर डिलीट टेक्स्ट टू एंड अ वर्ड इन इंप्रेस। जब भी वर्ड ऑफ इंप्रेस का जब भी बात होगा, क्या है, CTRL प्लस डेल बटन से हम क्या करेंगे, एंड अ वर्ड जो भी होंगे सबसे लास्ट जो स्लाइड्स होगी यानी कि जो स्लाइड के आखिरी शब्द होंगे वहां से हम CTRL प्लस डेल से इसको इरेज कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर डिलीट टेक्स्ट टू बिगनिंग ऑफ वर्ड इन इम्प्रेस। बिगनिंग ऑफ वर्ड यानी कि शुरुआती जो शब्द हैं उनको अगर हमें रिमूव कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CTRL प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। किसका, CTRL प्लस बैक स्पेस का। अगला पूछ रहा है यहाँ पे, किस बटन के द्वारा हम डिलीट टेक्स्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ सेंटेंस इन इंप्रेस। यानी एंड ऑफ सेंटेंस इन इंप्रेस की जब बात होगी यहाँ पे तो क्या हम करेंगे, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डेल का यूज करेंगे। इसका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डेल बटन से हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ टेक्स्ट जो है हम डिलीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर डिलीट टेक्स्ट टू बिगनिंग ऑफ सेंटेंस इन इंप्रेस। जब बिगनिंग ऑफ सेंटेंस की जब बात हो जाएगी CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस से यूज करेंगे। इससे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस से। मीडिया प्लेयर ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। अब मीडिया प्लेयर ऑप्शन की बात हो रही तो किसमें फाउंड किया जाएगा, टूल्स मेनू में। देखते हैं टूल्स मेनू में, ये रहा आपका मीडिया ऑप्शन है। टूल्स मेनू में जाएंगे हम, देखिएगा टूल्स मेनू में जाते हैं तो मीडिया ऑप्शन तो टूल्स मेनू में तो है नहीं, तो मीडिया ऑप्शन किसमें, मीडिया प्लेयर की बात हो रही है तो थोड़ा मीडिया प्लेयर अब देख लेते हैं। ये रहा टूल्स प्लेयर में, कहा ये रहा मीडिया प्लेयर ऑप्शन किसमें, आपका टूल्स में दिख रहा है। टूल्स में आपका जो है मीडिया प्लेयर ऑप्शन है, इसलिए टूल्स का ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, स्पेल चेक ऑप्शन। स्पेल चेक ऑप्शन किसमें मिलता है, आपका टूल्स में। क्या मिलता है, स्पेल चेक ऑप्शन आपका मिलता है टूल्स में, स्पेल चेक ऑप्शन भी मिलता है। स्पेलिंग चेक का ऑप्शन किसमें मिलता है, स्पेल चेक का टूल्स में मिलता है। ध्यान दे दीजिएगा टूल्स में कौन कौन से मिलते हैं, स्पेलिंग मिलता है, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग ऑप्शन होता है, थिसॉरस होता है, लैंग्वेजेस होता है, ऑटो करेक्ट है, डिटेक्ट है, ऑटो रिट, इमेज मैप है, कलर रिप्लेसर है, मीडिया प्लेयर है, फॉर्म्स है, ये मैक्रोज है, ये सारे ऑप्शन आपको किसमें मिलते हैं, टूल्स मेनू में ही मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब रिहर्स टाइमिंग की जब बात करेगा तो किसमें मिलेगा आपको, स्लाइड शो में आपको रिहर्स टाइमिंग मिलेगा। ये स्लाइड शो पे जाएंगे, रिहर्स टाइमिंग, यहाँ से हम क्या करते हैं, स्लाइड के लिए टाइमिंग सेट करते हैं। क्या करते हैं, रिहर्स टाइमिंग में हम स्लाइड के लिए टाइमिंग को सेट करते हैं। अगला प्रश्न है, कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब कस्टम स्लाइड शो की जब बात करेगी वो भी आपको किसमें मिलता है, स्लाइड शो ऑप्शन में। स्लाइड शो पे जाएंगे, ये रहा कस्टम स्लाइड शो, ये रहा ऑप्शन कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड डिजाइन ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब स्लाइड डिजाइन की जो बात होती है वो किस मेनू में फाउंड किया जाता है, किस मेनू में फाउंड किया जाता है तो वो देखिएगा किसमें फाउंड किया जाता है, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्या मिलता है आपको, स्लाइड डिजाइन मिलता है। आप देखते हैं फॉर्मेट पे जाते हैं, स्लाइड डिजाइन कहीं पे दिया है, देखते हैं स्लाइड डिजाइन कहीं पे दिया है भैया, फॉर्मेट में डिजाइन ऑप्शन कहीं पे होना चाहिए, डिजाइन ऑप्शन कहीं ना कहीं पे दिया होना चाहिए, दिया होगा ही। स्लाइड डिजाइन ऑप्शन किसमें मिलता है आपको, फॉर्मेट मेनू पे ही मिलता है। देखें क्या है ये, स्लाइड डिजाइन ऑप्शन किसमें मिलता है, फॉर्मेट मेनू नहीं, हाँ फॉर्मेट में ही आपको जो है स्लाइड डिजाइन ऑप्शन किसमें मिलता है आपको, फॉर्मेट मेनू में आपको स्लाइड डिजाइन ऑप्शन मिलता है। देखते हैं कहाँ पे है, फॉर्मेट में गए, स्लाइड 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 स्टाइल्स पे गए, स्लाइड डिजाइन डिजाइन ऑप्शन कहाँ गया, डिजाइन डिजाइन डिस्ट्रीब्यूटर रोटेट कन्वर्ट अप स्लाइड फॉर्मेट स्लाइड, यहाँ से स्टाइल्स में मिलेगा हमें लग रहा है, स्लाइड डिजाइन ऑप्शन शेडो, हाँ ऑब्जेक्ट एंड शेयर्स भी हो गया ठीक, हाँ पोजीशन एंड साइज वाला F4 आपका हो जाता है।
किसमें आपका ऑप्शन रहेगा, ये स्लाइड डिजाइन में आपका जो ऑप्शन है वो आपको किससे मिलेगा, फॉर्मेट से ही जा करके आपको मिलेगा सारे फॉर्मेटिंग। ये देखिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ग्रुपिंग है, अनग्रुपिंग है, अरेंज है, ऑब्जेक्ट है सारे, कन्वर्ट है, फ्लिप है, रोटेट है, डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, नेम है, शेडो है, ऑब्जेक्ट है, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखा है। तो जो स्लाइड डिजाइन ऑप्शन है जो फाउंड इन विच मेनू इंप्रेस आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब क्लियर फॉर्मेट डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की जब भी बात होगी वो भी ऑप्शन आपका किसमें मिलेगा, फॉर्मेट में ही मिलेगा। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ये रहा आपका, किसमें है आपका, ये देखिएगा फॉर्मेट मेनू में ही दिया हुआ है आपका। अगला प्रश्न है देखिएगा यहाँ पे हम कहते हैं चेंज केस ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू। जब चेंज केस की जब बात होगी तो चेंज केस ऑप्शन जो है वो भी आपका फॉर्मेट में ही मिलता है, किसमें मिलता है, फॉर्मेट में ही मिलता है। आप देखिएगा आप चेंज केस इस प्रकार से ऑप्शन नहीं होते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट में जाएंगे कि आपके सारे चेंज केस ऑप्शन है, सारे चेंज केस यानी कि इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नहीं आपको फाउंड आउट फाइंड आउट मिली, ये चेंज केस होते हैं। देखिएगा अपर केस है, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस के, कैपिटलाइज वर्ड, टॉगल की, ये आपके क्या होते हैं, चेंज केस ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कहीं पर भी देखिए चेंज केस नाम से नहीं दिया हुआ, इसलिए इसमें ऑप्शंस आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, खोजने पड़ते हैं कौन से ऑप्शंस कहाँ पे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पोजिशन एंड साइज ऑप्शन फाउंड इन विच मीन। जब पोजिशन फाइंड ऑप्शन की मांग होगी फॉर्मेट में मिलेगा, देखिएगा फॉर्मेट में जाएंगे पोजिशन एंड साइज ऑप्शन, ये रहा ऑब्जेक्ट में, पोजिशन एंड साइज ये आपका किसमें मिला, ऑब्जेक्ट एंड शेप में, और फॉर्मेट मेनू में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है ग्रुप ऑप्शन फाउंड इन विच मीनू इन इंप्रेस। जब ग्रुप ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको, फॉर्मेट में मिलेगा, किसमें मिलेगा आपको, फॉर्मेट में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हेडर एंड फूटर ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब हेडर एंड फूटर की बात होगी तो किसमें आपको मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। हेडर एंड फूटर आपको ये रहा इंसर्ट मेनू में मिलता है, अभी बता देंगे कौन कौन सी चीजें। फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू। जब फ्लोटिंग फ्रेम की बात होगी वो भी आपको इंसर्ट मेनू में मिलेगा, अभी हम एक एक मेनू बता देंगे किसमें मिलेगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब ऑब्जेक्ट फाउंड की जब बात होगी ये भी आपको किसमें मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। इंसर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट ये रहा ऑब्जेक्ट फाउंड, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो है मेनूज है, ये ऑब्जेक्ट वाला मेनूज है आपका, इंसर्ट में ही रहेगा। फॉर्मेटिंग मार्क ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू। जब फॉर्मेटिंग मार्क की जब बात होगी ये भी आपको इंसर्ट मेनू में मिलेगा, किसमें मिलेगा आपको, इंसर्ट में। अगला प्रश्न है स्नैप गाइड ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब स्नैप गाइड भी आपको इंसर्ट में मिलेगा, स्नैप गाइड जो ऑप्शन है किसमें मिलेगा आपको, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन किसमें मिलता है आपका, इंसर्ट में, किसमें मिलेगा आपको, इंसर्ट में मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। अगला प्रश्न है मैक्रोज ऑप्शन किसमें मिलेगा आपका, टूल्स में मिलेगा। मैक्रोज ऑप्शन किसमें मिलता है आपको, टूल्स में मिलता है। अब थोड़ा सा हम इन पर देख लेते हैं जो जो इंसर्ट में, इंसर्ट में इमेज है, ऑडियो वीडियो है, चार्ट है, टेबल है, मीडिया है, ऑब्जेक्ट है, स्पेस शेप है, स्नैप गाइड है, टेक्स्ट बॉक्स है, कमेंट है, फ्लोटिंग फ्रेम है, फॉन्ट वर्क है, ये सब किसमें आपको मिल रहे हैं, इंसर्ट में। इंसर्ट में आपकी हाइपरलिंक भी है, स्पेशल कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग मार्क भी, स्लाइड नंबर है, फील्ड है, हेडर है, फुट है, फॉर्म कंट्रोल है। अब बात हम करेंगे टूल्स में, देखिएगा मैक्रोज ऑप्शन ये यहाँ पे दे रखा है, मैक्रोज ऑप्शन जो है टूल्स में यहाँ पे दे रखा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा एक्सटेंशन मैनेजर ऑप्शन। एक्सटेंशन मैनेजर जो ऑप्शन है वो आपको किसमें मिलता है, टूल्स में मिलता है। एक्सटेंशन जो मैनेजर है टूल्स में मिलता है। अगला लैंग्वेज ऑप्शन फाउंड। लैंग्वेज ऑप्शन जो फाउंड है वो भी आपको टूल्स में मिलता है, किसमें मिलता है, टूल्स में मिलता है लैंग्वेज ऑप्शन फाउंड। अगला है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है वो भी आपका टूल्स में पाया जाता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन किसमें मिलता है, टूल्स में मिलता है। अगला प्रश्न है मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन फाउंड। जब मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन है ये भी आपको किसमें मिलता है, टूल्स में मिलता है। मिनिमाइज प्रेजेंटेशन जो ऑप्शन है, इमेज मैप ऑप्शन, इमेज मैप अभी हमने बताया था किसमें मिलता है आपको, टूल्स में मिले। इमेज मैप जो ऑप्शन है वो भी आपको टूल्स में ही मिलेगा। फॉर्म्स ऑप्शन, जो फॉर्म्स ऑप्शन है वो आपको किसमें मिलेगा, टूल्स में ही मिलेगा। आप थोड़ा सा हम देख लेते हैं टूल्स में, देखिएगा स्पेलिंग हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, लैंग्वेजेस होगा, लैंग्वेज ऑप्शन टूल्स में, ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, इमेज मैप है, मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन है, मीडिया कलर फॉर्म्स ऑप्शन है, माइक्रोज डेवलपमेंट, एक्सटेंशन मैनेजर, कस्टमाइज ऑप्शन है, ऑप्शंस भी ये आपको किसमें सब मिलेगा, टूल्स में ही मिलेगा।
अगला प्रश्न है यूजर गाइड ऑप्शन। यूजर गाइड ऑप्शन किसमें मिलेगा? जब यूजर गाइड की बात होगी तो किसमें मिलेगा? हेल्प में मिलेगा। हेल्प में आप थोड़ा देख ले, हेल्प में आपको एक्स लिब्रे ऑफिस हेल्प मिलेगा। व्हाट इज द यूजर गाइड? शो टिप ऑफ द डे, सर्च कमांड, कमांड सेट हेल्प। अब ये ऑप्शन दो ध्यान में, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ये भी आपको हेल्प में ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आते हैं करना, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस किसमें आपको मिलेगा? हेल्प में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है रिस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन फाउंड इन विच मेन्यू। जब रिस्टार्ट इन सेफ मोड की बात होगी, ये भी आपको किसमें मिलेगा? हेल्प में ही आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको? हेल्प में मिलेगा, रिस्टार्ट इन सेफ मोड। ये सारे ऑप्शन आपको हेल्प में मिल रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर प्रो बैकग्राउंड ऑप्शन। मास्टर बैकग्राउंड ऑप्शन जो है किसमें पाया जाता है? जो मास्टर बैकग्राउंड ऑप्शन किसमें पाया जाता है? स्लाइड ऑप्शन में पाया जाता है। किसमें? स्लाइड मेनू में मिलेगा मास्टर बैकग्राउंड। स्लाइड ट्रांजिशन, जब स्लाइड ट्रांजिशन किसमें मिलेगा? ये भी आपका जो स्लाइड में ही रहेगा, जो यानी कि स्लाइड जो ट्रांजिशन है वो भी आपका स्लाइड मेनू में ही पाया जाएगा। डिलीट स्लाइड ऑप्शन, डिलीट स्लाइड ऑप्शन ये भी आपका जो है स्लाइड मेनू में पाया जाएगा। जो डिलीट स्लाइड ऑप्शन है ये भी आपका किसमें है? स्लाइड मेनू में पाया जाएगा। डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन, डुप्लीकेट जो स्लाइड ऑप्शन है ये भी आपका स्लाइड मेनू में पाया जाएगा। ठीक है, जो डुप्लीकेट जो स्लाइड ऑप्शन है वो भी आपका किसमें होता है? स्लाइड ऑप्शन में। किसमें आपका मिलता है? स्लाइड ऑप्शन में ही मिलता है। अगला प्रश्न है लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन भी किसमें मिलेगा? स्लाइड में मिलेगा। लेआउट किसमें मिलेगा? स्लाइड में ही आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा हम स्लाइड के देख लेते हैं, स्लाइड में क्या क्या मिलता है। न्यू स्लाइड है, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम लेआउट ऑप्शन है, डिलीट स्लाइड है, सेट बैकग्राउंड इमेज है, सेट चेंज मास्टर बैकग्राउंड है, मास्टर ऑब्जेक्ट है, मास्टर एलिमेंट है, शो स्लाइड है, हाइड स्लाइड है, रीनेम स्लाइड है, जंप टू लास्ट एडिटर स्लाइड है, मूव है, नेविगेटर है, समरी है, एक्सपेंड है और स्लाइड ट्रांजिशन। ये सारे ऑप्शन आपको किसमें मिल रहे हैं? स्लाइड में आपको मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ ऑप्शन। जो पैराग्राफ ऑप्शन है वो आपका किसमें मिलता है? फॉर्मेट में। किसमें है? पैराग्राफ ऑप्शन आपका फॉर्मेट में मिलता है। अगला प्रश्न है टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन भी आपका फॉर्मेट में ही मिलेगा। टेक्स्ट ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको? फॉर्मेट में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है शेडो ऑप्शन। शेडो ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू? विच मेनू इन इमेज। जो जब शेडो ऑप्शन है वो भी आपको फॉर्मेट में ही मिल रहा है। किसमें मिलेगा? फॉर्मेट में मिलेगा। रोटेट ऑप्शन, रोटेट ऑप्शन जो है किसमें आपको मिलेगा? रोटेट ऑप्शन ये भी आपको फॉर्मेट में मिलेगा। जो रोटेट ऑप्शन है ये भी आपको फॉर्मेट में ही मिलेगा। अगला है फ्लिप ऑप्शन। जो फ्लिप ऑप्शन है ये भी आपको किसमें मिलेगा? फॉर्मेट में ही मिलेगा। फ्लिप ऑप्शन भी फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। कन्वर्ट ऑप्शन, कन्वर्ट ऑप्शन भी आपका फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। अगला है अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन आल्सो फाउंड इन फॉर्मेट मेनू। अरेंज ऑप्शन आल्सो फाउंड इन फॉर्मेट मेनू। अगला प्रश्न हम अब थोड़ा फॉर्मेट मेनू के देख लेते, जो जो बोल दिए। ये टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट में ये सारी चीजें हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्पेलिंग, अलाइन टेक्स्ट, लिस्ट, स्टाइल, करेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग, टेबल, इमेज, ऑब्जेक्ट एंड शेप, शेडो, डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट, रोटेट ऑप्शन है, फ्लिप ऑप्शन है, कन्वर्ट है, अलाइन ऑब्जेक्ट है, अरेंज है और ग्रुप ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन किसमें आपको मिलते हैं? फॉर्मेट मेनू में मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का ऑप्शन किसमें मिलता है? हाइपरलिंक जो ऑप्शन है आपको इंसर्ट मेनू मिलता है। किसमें मिलता है? इंसर्ट मेनू में मिलता है। अगला प्रश्न है लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल्स। लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल्स ऑप्शन किसमें आपको मिलेगा? एडिट में मिलेगा। किसमें मिलेगा? लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल्स ऑप्शन जो है एडिट में मिलेगा। लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल्स ऑप्शन किसमें मिलता है आपको? एडिट, लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल्स, ये रहा लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल, ये आपको एडिट में मिल रहा है। अगला प्रश्न है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। जब पेस्ट स्पेशल की बात की जाएगी ये भी आपको एडिट में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको? एडिट में मिलेगा। एजेंडा सब ऑप्शन, एजेंडा सब ऑप्शन, एजेंडा सब ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन इंप्रेस। जब एजेंडा की बात हो रही है किसमें मिलेगा आपको? फाइल में मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको? फाइल मेनू में मिलेगा। अगला प्रश्न विजार्ड ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू? विच मेनू इन इंप्रेस। विजार्ड ऑप्शन भी आपको किसमें मिलता है? फाइल मेनू में आपको विजार्ड ऑप्शन मिलेगा। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी ऑप्शन किसमें मिलता है? फाइल मेनू में मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको? फाइल मेनू में मिलेगा। अगला प्रश्न एग्जिट लिब्रे ऑफिस ऑप्शन, ये भी आपको किसमें मिलेगा? फाइल मेनू में मिलेगा। एग्जिट लिब्रे ऑफिस ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको? फाइल मेनू में मिलेगा। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आपको किसमें है?
फाइल मेनू में मिलेगा, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको, फाइल मेनू में। अगला रीसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये भी आपको फाइल मेनू में मिलेगा, किसमें आपको मिलेगा, फाइल मेनू में मिलेगा। सेव ऑल ऑप्शन, सेव ऑल ऑप्शन फाइल मेनू में किसमें मिलेगा आपको, फाइल मेनू में मिलेगा। अगला प्रश्न है ग्लू पॉइंट ऑप्शन, ग्लू पॉइंट ऑप्शन, जब ग्लू पॉइंट ऑप्शन की बात आई तो ये किसमें मिलेगा आपको, एडिट में मिलेगा। अर्थात फाइल मेनू देखिए, फाइल में न्यू है, ओपन है, ओपन रिमोट है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्लोज है, विजार्ड है, विजार्ड में देखिए एजेंडा, एजेंडा ऑप्शन जो है विजार्ड के अंदर लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, एड्रेस डेटा, सो ये सारी चीजें जो है विजार्ड में मिलती है। टेम्पलेट्स है, रीलोड है, वर्जन है, सेव है, सेव एज है, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव आ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन, ये रहा एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, ये सारे ऑप्शन आपको किसमें मिल रहे हैं, फाइल में मिल रहे हैं। सेंड ऑप्शन है, प्रीव्यू है, प्रिंट द सेटिंग प्रॉपर्टीज, डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट लिब्री ऑफिस, ये सारे ऑप्शन आपको किसमें मिल रहे हैं, फाइल में मिल रहे हैं। अब एडिट में बात करेंगे, देखिएगा ग्लू पॉइंट्स, ग्लू पॉइंट्स ऑप्शन किसमें आपको मिल रहा है, एडिट में आपको ग्लू पॉइंट ऑप्शन मिल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, जब भी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करेंगे तो कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है आपका, 18 होता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है आपका, 18 होता है, कितना होता है आपका है, 18 होता है। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, ये देखिएगा 18 PT, ये रहा क्या होता है, ये देखिए 18 PT यहाँ पे है, ठीक है, कितना होता है, 18 PT यहाँ पे दिया हुआ है आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है कितना होता है, 6 होता है, देखिएगा मिनिमम फॉन्ट साइज हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको ऊपर तक ले, केवल 6 PT, कितना है, 6 PT, इसके बाद कुछ नहीं, 6 PT मिनिमम होता है, मैक्सिमम आपका जो होता है वो ध्यान से देखिएगा 96 होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 96 फॉन्ट साइज होता है मैक्सिमम आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है 100 नंबर मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, तो कितना होता है, 96 होता है, कितना होता है आपका, 96 होता है। तो यहाँ पे इसको जो है हमने आज आपको 100 प्रश्न आपको हमने आज कराए हैं, इस वीडियो को आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कहीं पे अगर कोई भी समस्या होती है तो आप बताइएगा हमें और अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब अवश्य करें। बस मेरा यही एक आपसे जो है विनम्र निवेदन है, आप अपने एग्जाम को अच्छा सा करें। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।